Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, today we will start our new chapter Atoms and Molecules. Right? Students, initial classes में पढ़ते हैं कि atoms क्या हैं, molecules क्या हैं, कैसे atoms combine होते हैं, ठीक है? इस chapter को हम जो chemistry का third chapter है, इसमें detail में discuss करेंगे कि कैसे atoms combine होंगे, कैसे molecules form होंगे, ठीक है? Compounds कैसे form होते हैं, तो detail में हम इस chapter में इन सभी process को discuss करने वाले हैं. तो let's start with atoms. Atoms है क्या? फिर we all know कि an atom is the smallest particle of an element. किसी भी element का सबसे smallest जो particles है वो atom है. It means that atoms मिलके ही molecule element को बनाते हैं. It means similar atoms जो हैं वो मिलकर किसी element को बनाएंगे. अगर बात करो carbon के, तो carbon में सिर्फ carbon के ही atoms present होंगे, ठीक है? Oxygen में oxygen के, ठीक है? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी एलिमेंट को फॉर्म करेगा, ठीक है? तो ये जो बेसिक सा आइडिया था एटम के बारे में, जिसको हमें लेटर डिस्कस करना है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है? कि एलिमेंट और एटम्स की क्या हिस्ट्री है, कैसे ये डिस्कवर हुए. तो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते देखिए. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया, ठीक है? ये आइडिया जो था एटम का, ये सबसे पहले इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था. इंडियन साइंटिस्ट या कहें या फिर इंडियन ऋषि, उस टाइम पर ऋषि वर्ड यूज करते थे, जो काफी ज्यादा विद्वान होते थे, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते थे, तो उन्होंने ही ये आइडिया दिया था एटम का, ठीक है? तो कौन थे वो? महर्षि कर्णाद जो थे, एक ऋषि थे इंडियन, ठीक है? उन्होंने क्या कहा था, इफ We go on dividing matter, जिसे हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है? We shall get smaller and smaller particles. Exactly. उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को, अगर हम हिंदी वर्ड में कहें तो पदार्थ को डिवाइड करें, तो हम क्या करें, हमें हर एक केस में स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑब्टेन होंगे. मतलब उस मैटर के छोटे छोटे या उस पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, ठीक है? और उन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने एटम कहा, ठीक है? इसे हिंदी में हम परमाणु कहते हैं, राइट? तो ये तो आइडिया था उनका. तो देखिए यहाँ पे एक जनरली पीस है वुड का, इसे हमने दो पार्ट में कट किया. लेटर अगर हम इसे टू पार्ट में कट करें, लेटर अगेन इसे फिर छोटे छोटे पार्ट में कट करें, तो हर स्टेप में और एंड में भी हमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑब्टेन होंगे, इसके उस मैटर के, ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना, राइट? तो एक साइंटिस्ट और थे कातियाना, ठीक है? उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर. एग्जैक्टली, जो एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मतलब सिमिलर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे. लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल. देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वुड के, जिन्हें हम कार्बन के पार्टिकल्स कहेंगे. तो ये कार्बन के पार्टिकल्स जब आपस में अटैच होंगे तो वुड बनेगा. लेटर जब ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो ये, ठीक है, ये पीस ऑफ वुड, देन लेटर ये, और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो एक जाइंट पीस बन जाएगा वुड का. सो वी कैन से दैट कि स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे, सिमिलर स्मॉलर पार्टिकल्स, और फिर लेटर वो एक मैटर को या पदार्थ को फॉर्म करेंगे. तो ये जो आइडिया था मैटर का, ये इंडियन साइंटिस्ट इंडियन ऋषि ने एंशियंट टाइम में ही दे दिया था, राइट? तो अब थोड़ा सा इसको मूव होके आगे बढ़ते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस क्या हैं, राइट? तो दो इंपॉर्टेंट लॉस हैं केमिकल कॉम्बिनेशन पे जो हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, तो लेट्स डिस्कस मास इज वर्ड. मास का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास है, ठीक है? अब कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, क्या सकता है, ठीक है? तो हर एक ऑब्जेक्ट में मास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? क्लियर, राइट, ठीक है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेकंड है. जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको जनरली दिया था एंटोनी एल लेवासियर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था. और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये जोसेफ प्राउस्ट ने इसको प्रपोज किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट को. चलिए अब डिस्कस करते हैं. दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो हमें बताएंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे एटम्स कंबाइन होते हैं. चलिए, वेल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एग्जैक्टली, इट मींस दैट मास, इट मींस जो अमाउंट ऑफ मैटर
प्रेजेंट है उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ मास की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो यही लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, का कि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इसको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, यहां पे कार्बन एक सॉलिड है, ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, और यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, राइट, एक सिंपल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसमें देखिए अगर कार्बन का एटॉमिक मास की बात करूं मैं तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 न्यूटन, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16, ये आपको याद करने हैं, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस थिंग्स कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो इनिशियल स्टेज पर अगर आपको याद है वेल एंड गुड, बट लेटर वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे हम कहेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, क्यों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लेटर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है, 16 into 2 32 μ, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन का यहाँ पे 1 एटम है, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर इनको सम करें तो इट विल बी अराउंड 44 μ, और अगर मैं इसे भी सम करूं तो 12 into 32 इट विल बी 44 μ। सी, as I told you, in every chemical reaction the mass of reactant will be equal to the mass of product, ठीक है, reactant का mass हमेशा product के mass के equal होगा। it means that mass को ना हम create कर सकते हैं ना हम उसको destroy कर सकते हैं, सिर्फ उसकी form को हम change कर सकते हैं। यहाँ पे carbon solid था, oxygen solid gas था, लेकिन जो product हमें obtain हुआ वो gas है, ठीक है। तो हमने सिर्फ mass जो matter है उसकी form को change कर दिया, ना हमने उसे create किया ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो सिंपली आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स। ओके, लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। हियर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, CaCl2 का सॉल्यूशन है जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, और स्लॉटेड वे में इसको यहां पे हमने बीकर के अंदर रखा है, ठीक है। यहां पे हम इसको जनरली मेजर करेंगे कि इसका कितना टोटल मास है, तो टोटल मास है 300.23 ग्राम। यहाँ पे Na2SO4, Na2SO4 का मतलब है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें स्लांटेड वे में हमने इस टेस्ट ट्यूब को रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को पोर कर लेंगे, ठीक है। पोर करने से क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर प्रेजेंट था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स हो जाएगा, एंड लेटर वी विल सी दैट देयर इज अ, यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मैं इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप और इजीली इस प्रोसेस को समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, रिजल्ट ये ऑब्टेन हुआ कि यहां पे देखिए जो मास था वो 300.23 ग्राम था, एंड यहां पे देखिए आफ्टर मिक्सिंग द मास इज 300.23 ग्राम। इट मींस दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट है, ओके, तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ओके। तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इन्होंने मिक्स किया, एंड देन आफ्टर दैट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मास है बिल्कुल सेम रहेगा, जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन में भी आपको बताया था कि ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, लेट्स सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन को नोट करना है, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी मैंने समझाया आपको, एंड सेकंड वन इज ये क्वेश्चन इसे नोट कीजिए आप, ठीक है, एंड देन बताइए कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है, और क्या इस रिएक्शन से हमें समझने में आता है, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।